एक तर, एक डिजाइन, एक स्ट्रेटजी वली उस जमान की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसी डिजाइन को लेकर कर्बला आए। इमाम को वहीं घेरा और इमाम को मार दिया, ऐसा नहीं है। इमाम ने कर्बला खुद डिजाइन की है, खुद इमाम को कर्बला में नहीं बुलाया, इमाम ने यजीद को कर्बला बुलाया। फर्क है, स्ट्रेटजी में फर्क है, प्लानिंग में फर्क है। क्यों लेके जा रहे हैं मौला? बच्चे को क्यों लेके जा रहे हैं? जवान को क्यों लेके जा रहे हैं? खवातीन को नहीं, तुम नहीं बत रहे। इमाम पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। इमाम को पता है कि कैसे कर्बला बचानी है, कैसे तौहीद को पूरी दुनिया में फैलाना है। ये जो आज हम बैठे हुए हैं, ये इमाम हुसैन की डिजाइन हुई हुई कर्बला है। दुश्मन, दुश्मन ने कितना काम किया, कितना काम कर रहा है, कब से कर रहा है, 72 70 72 मशहूर हुई, इतने से लोग, थोड़े से असीर, और ये किलोमीटर का जो फासला था कर्बला से लेके कूफा, कूफा से शाम तक का, बस खत्म। 1400 साल गुजर गए, गुजरते जा रहे हैं, कारवाने हुसैनी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, नहीं रोक पाए, कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वली उस जमान एक अल्टीमेट प्लान लेकर कर्बला उतरा था। ये डिजाइन, ये तर अल्लाह का वली ही ला सकता है, और कोई नहीं ला सकता, किसी के अख्तियार में नहीं है। बदन जमा किए जा सकते हैं पैसों से, कल्ब जमा नहीं किए जा सकते। ये है वली उस जमान की ताकत।